अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है तुम सारेयां दा। तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन बर्गर्स। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जी सबसे पहले ये मैंने ले लिया चिकन, और इसको पहले मैंने एक लोहे की मदद से पीसा, चुटना है जी इसनों चंगी तरह। और अब इसमें मैं लगा रही हूँ नमक। इस तरह से आपने नमक अच्छी तरह से लगा देना है। तो जी अब इसके बाकी मैरिनेशन भी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को एक बाउल में डाल दिया है, और अब सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जी टिक्का बोटी मसाला, नेशनल का, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। तो जी अब इसमें डाल रही हूँ जी सोया सॉस। डालने के बाद मैंने इसमें डाला सिरका, और ये जी मैं डाल रही इसमें कुटी हुई मिर्चें। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और अब ये जी मैंने इसमें डाल दी हैं काली मिर्चें, और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड सॉस। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस। और अब इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये जी बोटी फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने ठंडा पानी लिया, बर्फ़ डाली है बीच में, और फिर बोटी को पहले जी ये इस तरह से डिप करना है मैदे में, और फिर ठंडे पानी में करना है, ये देखें जी इस तरह से, और फिर मैदे में करना है। इस तरह से जी अच्छी तरह से। और अब इसको कर देंगे जी फ्राई। लेकिन ये बोटी हो रही है फ्राई। अब बन को भी आप थोड़ी देर चीज़ को इस तरह से सेक लाएंगे। पहले इस पे मैं ये जी मैंने इस पे लगा दिया है बटर, और फिर इसको थोड़ा सा सेक लाएंगे। जी इस तरह से आप सेकने के उठा लेंगे इसको। और जी मैंने एक प्लेट में ले लिया जी मेयोनीज, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस, आप केचप भी डाल सकते हैं।
और अच्छी तरह से इसको कर देंगे जी मिक्स। ये देखें जी, इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैंने ले लिया है पैन, इस पर लगा रही हूँ मैं केचप और थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, फिर दोनों पैन में लगाना है। इस तरह से मैंने केचप इसमें डाल दिया है। और अब जी मैं सब्जियां डालेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने इसमें डाला प्याज इस तरह से काटा हुआ है, और फिर खीरा डालेंगे। खीरे को इस तरह से मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है ताकि ये गिरे ना। इस तरह खीरे को कटो के बाहर हटे वन। और इस पे फिर मैंने रख दिया चिकन पीस, ऊपर से फिर मैंने और खीरे डाले हैं। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। और फिर इस पर मैं डाल रही हूँ मिक्स की हुई सॉस। ये देखें जी, हमारा बर्गर हो गया तैयार। अब इसी तरह से और भी बना लेते हैं। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से और इजी से बर्गर हो गया है तैयार। बहुत ही इजी सी रेसिपी और मज़ेदार सी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खाओ तो मज़ा मारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।